अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने दावा किया कि पुतिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों के नौकरी छोड़ने पर पाबंदी लगा दी। मतलब ये कि रूस की सेना में मौजूद अधिकारी अब अपनी मर्जी से नौकरी तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे। हालांकि उस दौरान किसी तरह से सेना के अफसरों को मना लिया गया था, लेकिन अब अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक का दावा है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से रूसी सेना के अधिकारी थक चुके हैं और वो युद्ध से बचने के लिए सेना की नौकरी छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए पुतिन ने सेना के बड़े अधिकारियों के इस्तीफा देने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि पुतिन को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर एक साथ बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया तो उनकी सेना में विद्रोह हो जाएगा, जिससे पुतिन के सामने यूक्रेन जंग हारने का खतरा मंडराने लगेगा। इधर फंड की कमी से जूझ रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भुगतान न होने की वजह से उसे लीज पर लिए विमान लौटाने पड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो गो फर्स्ट एयरलाइन की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। असल में एक विमान कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें भुगतान न मिलने पर लीज पर दिए गए विमानों की वापसी की मांग की गई। इस समय गो फर्स्ट एयरलाइंस फंड की कमी से जूझ रही है। हालात ऐसे हैं कि विमानों को उड़ाने तक का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे में अगर उसे लीज पर विमान देने वाली कंपनियां अपने विमान भी वापस ले लेंगी तो गो फर्स्ट एयरलाइंस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बीच हाथी का एक ई रिक्शा को धकेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो बिहार के वैशाली जिले का है, जिसमें वो हाथी ई रिक्शे को पीछे से धक्का लगाता दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में ई रिक्शे को एक आदमी धकेलने की कोशिश करता नजर आया। उसने ई रिक्शा को कच्चे रास्ते पर थोड़ी देर तक धकेला, लेकिन रेत ज्यादा होने की वजह से वो उसे बाहर नहीं निकाल पाया, जिसके बाद पीछे से आ रहे उस हाथी से मदद ली गई। पर जैसे ही हाथी ने ई रिक्शे को धकेलना शुरू किया, तुरंत ई रिक्शा की रफ्तार बढ़ गई और वो रेत से बाहर निकल आया। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में वायरल हो गया। उधर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक मॉल में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से उसके अंदर फंसे लोग दहशत में आ गए, क्योंकि मॉल में लगी आग धीरे धीरे फैलती जा रही थी, जबकि लपटों से उठने वाले काले धुएं ने लोगों को खौफ से भर दिया। हालांकि जैसे ही आग लगने की जानकारी दमकल कर्मियों को मिली, वो वहां पहुंचकर उसे बुझाने में जुट गए, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। राजधानी कुआलालंपुर के उस मॉल में जिस वक्त आग लगी, अंदर कई लोग फंसे हुए थे। हालांकि राहत की बात ये रही कि सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। मॉल में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने एप्पल के एक पूर्व कर्मचारी पर तकनीक चुराकर चीन भाग जाने का आरोप लगाया। और दावा किया कि उस कर्मचारी ने इस्तीफे से पहले कंपनी की तकनीक की चोरी की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक एप्पल के उस कर्मचारी ने 2017 में इस्तीफा देने से पहले चीन की एक कंपनी के साथ नौकरी पक्की की, लेकिन आरोप है कि इस दौरान उसने कंपनी के डेटा पर हाथ साफ किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन पर अमेरिका की तकनीक की चोरी करने का आरोप लगा हो। इससे पहले कई बार उस पर ऐसे आरोप लगते रहे, लेकिन चीन हमेशा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताता रहा है। उधर मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस कर्मियों ने शराब तस्करी के आरोपी की शादी करवा दी। असल में 16 मई को विक्रम चौधरी की शादी होनी थी, लेकिन इससे दो दिन